केजरीवाल की जमानत याचिका पर अब 26 जून को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद करेंगे सुनवाई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जमानत पर रोक लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर स्टे लगा दिया गया था, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जानकारी मिल पा रही है कि 26 जून को सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ जाए। और सीधा रुख करते इस वक्त हमारे सहयोगी विक्रांत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विक्रांत, अब तो कोई विकल्प नहीं होगा अरविंद केजरीवाल के पास इंतजार करने के अलावा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या कहा गया इस सुनवाई में? देखिए, परसों तक तो इंतजार करना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ ये कहा कि आमतौर पर स्टे जो बेल एप्लीकेशन होती है, जमानत का जो मामला होता है, उसमें स्टे नहीं लगाया जाता। ये बड़ा अनयूजुअल है, अनप्रिसिडेंटेड है, ये कोर्ट ने बोला। और कोर्ट ने ये भी कहा कि आमतौर पर जो बेल एप्लीकेशन होती है उस पर ऑन द स्पॉट फैसला किया जाता है कि स्टे देना है या नहीं देना है, लेकिन एक बार हाईकोर्ट के फैसले को देख लेते हैं। परसों तक ये भी उम्मीद है कि हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा। अगर इस बीच वो फैसला आ जाता है तो उसे भी रिकॉर्ड पर ले लिया जाए और परसों यानी बुधवार को इस मामले की सुनवाई होगी। एसजी जो ईडी की तरफ से पेश हुए थे, उनका कहना था कि एक दो दिन बाद इसे मामले को लिया जाए, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए थे, उनका यह कहना था कि मामले को तुरंत सुना जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से निचली अदालत का फैसला आने से पहले ही मौखिक रोक लगा दी गई थी और बाद में उस पर स्टे तब तक के लिए स्टे कर दिया गया जब तक हाईकोर्ट स्टे की एप्लीकेशन पर सुनवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि जमानत के दौरान एक एक दिन कीमती होता है और निचली अदालत के फैसले पर इसे लगाकर अरविंद केजरीवाल की जो पर्सनल आजादी है उस पर रोक लगाई गई है, तो इस मामले को तुरंत सुना जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में परसों इस मामले को देखेंगे, इस बीच अगर हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है तो उसे भी रिकॉर्ड पर ले लिया जाए। और कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या इस मामले में जो सेक्शन 45 की ट्विन कंडीशन है उनका पालन किया गया था, तो उसके जवाब में सॉलिटर एएसजे एसवी राजू ने कहा कि वो नहीं देखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि निचली अदालत केवल दो दिनों के लिए वेकेशन जज थी और उस दौरान ये फैसला सुनाया गया। ये भी कहा गया निचली अदालत के जरिए कि यह हाई प्रोफाइल मामला है, जबकि कोई हाई प्रोफाइल मामला नहीं है, इसे रूटीन मामले की तरह ही देखना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पूरा रिकॉर्ड था उसे निचली अदालत ने अब नहीं देखा, ये बाकायदा उन्होंने ऑर्डर में भी लिखा है कि हम पूरा आदेश नहीं देख पा रहे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश को एक बार फिर परवर्स बताया गया, विकृत बताया गया, और ये कहा गया कि अगर कोई आदेश विकृत है तो उस पर हाईकोर्ट इसे लगा सकता है। बहरहाल अब बुधवार को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकीलों का यह कहना था कि बेल मैटर्स में स्टे लगना बहुत ही अनयूजुअल है। कोर्ट ने भी इसे एक तरह से माना और कोर्ट इसी कारण इसे परसों सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। इस बीच अगर हाईकोर्ट का फैसला आता है तो उसे भी रिकॉर्ड पर ले लिया जाएगा। ठीक है विक्रांत, यानी कि इंतजार करना होगा अभी अरविंद केजरीवाल को, आप नजर बना के रखिएगा आगे।